हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल एचएस बैंकर के ऊपर। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है, आप चाहते हो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप वो क्वेश्चन मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के टाइप करके भेज सकते हो। लेकिन दोस्तों, आपको क्या पूरे का पूरा वैसे का वैसा टाइप करके भेजना जैसा कि बुक में अवेलेबल है, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के एक या दो दिन में वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो, या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा ही मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ए सर्टेन अमाउंट वाज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट ए बी सी इन द रेशो ऑफ 3:4:5 रिस्पेक्टिवली, बट वाज erroneously distributed in the ratio of 9:4:7 respectively. As a result of this, we got 60 rupees less. What is the amount? Amount हमें पता करनी है कि टोटल कितनी अमाउंट थी। पहले क्या वो 3, 4 और 5 इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होनी थी, लेकिन वो हुई 9:4:7 रेशो में, तो उससे क्या हो गया, बी को लॉस हो गया। ठीक है, कितना, 60 रुपये का। तो अमाउंट पता करने हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट जो अमाउंट है कितनी है, वो एक्स है। ठीक है, एक्स अमाउंट हमने लेट कर लिया। अभी जो बी को मिलनी है, मिलनी थी, कितनी मिलनी थी, एक्स का एक्स इंटू 4:12 इतना मिलना था, क्योंकि ये 3:4:5 है, तो बी का जो रेशो है वो 4 है और टोटल रेशो का प्लस कितना, 12 है। तो एक्स का इतना हिस्सा मिलना था बी को, लेकिन मिला क्या है उसको, एक्स का 4:4। अभी ये जो सेकंड वाली रेशो है 9:4:7, तो ये प्लस करके कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 का 4th हिस्सा मिला उसको, एक्स का 4:20, क्योंकि जो सेकंड वाला जो रेशो है 9:4:7, उसमें भी बी का जो रेशो है वो 4 ही है, तो 4:20 हिस्सा मिला एक्स का उसको। बट इसमें क्या हो गया, उसको लॉस हो गया, कितने का, 60 का। तो प्लस करेंगे यहाँ पे, इतने रुपए यहाँ पे 60 रुपए कम बने। अगर ये रहता उसको तो इसके बराबर मिलता, मतलब इतने तो मिलते प्लस 60 रुपये और मिलते। ठीक है, तो जो 60 रुपये का लॉस हुआ उसको हम यहाँ पे प्लस करके लिखेंगे इस वाले में। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स का हमारा टोटल अमाउंट जो हमने माना है, और वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको कट कर देते हैं, और ये वाला इधर आ जाएगा, और 5 6 15 नीचे 15 आ जाएगा, ऊपर 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 60, ये 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 15 6 90 900, और x इज इक्वल टू 450। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाता है। उम्मीद है समझ आ गया होगा, सिंपल था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।